हाय टू एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। हां, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग 2.0। ऑलराइट, चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के रिविजन सेशन की, जहां पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपना पूरा का पूरा जुलाई का करेंट अफेयर्स। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका रिविजन करके आए होंगे। राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग लाइव ना, ओके थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना पूरा कंटेंट जो है, पूरे महीने भर का जो कंटेंट है, उसको रिवाइज करके आए होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स मत बनाइएगा, आपके पास में ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके पीडीएफ क्लास के एंड में टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, पहले बता दिया। क्लास के बीच में कोई मत पूछना, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पूरे वीक भर पढ़े हैं, और अब जाके उसका रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। ओके, एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर भी मार दियो, इतना काम तो कर ही लिया करो कम से कम, हैं। चलिए 16 गुड टू गो, चला जाए फिर, आगाज किया जाए। सब रेडी? ऑल आर रेडी? अच्छा, आज गणित की क्लास नहीं हुई, हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम 11:30, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि क्लासेस जो है वो क्लैश ना करें, है ना। चले तो 2.0 के साथ में आगाज करेंगे। मौसमी, देवांश, पल्लवी, नेहा, मयूरी, पुष्पू भैया, दिया, कानपुर बॉय, संजीता, गणेश, अश्रुति, लवली, श्री कृष्णा, डॉल्फिन, डॉल्फिन, मान्या, आशीष, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, पेड बैच के बारे में क्लास के अंत के अंत में बात करेंगे, और स्पेशल क्लास आपका शाम को 4 बजे चल रहा है, जहां पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर फॉर एमटीएस है, ठीक है। सो ऑल गुड, लेट्स बिगिन। पहला सवाल बताइए, यूपी की जीके बेटा पढ़ा चुके, नॉर्मल यूट्यूब पे जाओ, ऊपर लिखिएगा यूपी जीके बाय प्रतिमा, मिल जाएगा बेटा, पढ़ा दिया। ओहो, प्लीज टेक केयर एसएससी सीजीएल। पहला सवाल बताइए, कहा जा रहा है कि आईएएफ की जब हम बात करते हैं, तो अभी हाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसका आयोजन कब होगा, अक्टूबर 2023 में होगा। आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। इसका नाम होगा तरंग शक्ति। मैं फिर से बता दूं, मैं इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन मैंने हर दिन दिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिविजन, ठीक है। तो ये मत बोलना कि मैम आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पहले बता दिया। अगला सवाल, हु इज सेट टू इनोग्रेट द 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस दिल्ली के अंदर, इसको किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया। कोऑपरेटिव की जब हम बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है उसको लाने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है, एमपी हो जाएगा, और इसका हाँ पीएम, करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है, पीएम इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने अपने यहाँ पे साइबर अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है, साइबर अलर्ट ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, हाँ AK-47, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पुलिस जो है, इन्होंने अपने यहाँ पे इसकी शुरुआत की है। अगला सवाल, वन टैप वन ट्री कैंपेन कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये कैंपेन आया है कहाँ पर, यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया, जिसमें कि क्या होगा, टैप वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ में जो यहाँ पे पौधे हैं उनको भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट, हु फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच, सबसे पहला बैच अमरनाथ यात्रा का जम्मू एंड कश्मीर से गया है, आपको बताना है कि किसने इसका शुभारंभ किया है। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो साल में एक बार आपको देखने को मिलती है, जब सावन का महीना आता है तभी इसकी शुरुआत होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आइए, रिसेंटली इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे अपने यहाँ चैप्टर्स में सावरकर जी के ऊपर जो चैप्टर है उसको इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बना है। मयूरी, दीपक, आयुषी, तरुण, रैदर, शेफाली, करेक्ट। एमपी, गलती से भी इसका आंसर महाराष्ट्र मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में महाराष्ट्र है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। अगला, एशियन कबड्डी, देखो ये क्वेश्चन आज सुबह मैंने आपको कराया था, ओडिशा के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है, ईरान को हरा के कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पे जीत दर्ज की है, तो किसको हराया है, ईरान को हराया, किसने हराया, इंडिया ने, किसने, इंडिया ने हराया, तो ये आप देख सकते हैं 11th एडिशन था जिसमें इंडिया जीता है। ओके चल नेक्स्ट पे आइए, पर्सनैलिटी इज ऑनर्ड विद द
नेशन या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब होता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि किसको ये डेडिकेटेड है, किसको ये डेडिकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेगा यहाँ पे बीसी रॉय। क्या आंसर होगा? बीसी रॉय। नेक्स्ट, मिचेल रोजन, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया। जितने पेपर आते जा रहे हैं सुबह हम सारे पेपर आपको करा रहे हैं, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो और क्या सही है। चिल्ड्रन लिटरेचर, आपको बताना है कि इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीतू, स्वीटी, पल्लवी, पेन, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर क्या होगा? पेन पिंटर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इसको कहाँ पर इनोग्रेट किया जाएगा? तो ये आएगा कहाँ पर? लोथल, गुजरात के अंदर इसको इनोग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट बताइए, दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी जगह पर आपको मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। आपको बताना है कहाँ पर। नेम द डिस्ट्रिक्ट, नेम द डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी यहाँ पे? इसका आंसर होगा बारगढ़। कौन सा? बारगढ़। अगला, नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है ये एमपी से लॉन्च किया गया, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। आपको बताना है एमपी में कहां से लॉन्च किया गया। कुछ बारिश हो रही है बहुत, अरे बाप रे। बताएं कहां से इसको लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? शहडोल से इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो सिकल सेल अनीमिया है इसको इराडिकेट करने के लिए जो टारगेट है वो है 2047। क्या है? 2047। अगला, चिकल कालो फेस्टिवल, ये वो कीचड़ वाला फेस्टिवल भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड। आपको बताना है कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आयोजन कहाँ होगा? गोवा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। अगला, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, इसको G20 के अंदर सेलिब्रेट किया गया। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया। इसका आंसर करके बताओ। कोई बच्चा कह रहा है अभी यूपी की जीके पढ़नी थी, तो यूपी की जीके मैंने आपको बताई कि जाके यूट्यूब पे देखिए। अब तुम कह रहे हो कि वो वीडियो जो है 2 साल पुराना है। बेटा पहली बात तो ये कि यूपी की जो जीके है बेटा वो कोर जीके सेम रहेगी, वो जीके थोड़ी ना बदल जाएगी। यूपी का करंट अफेयर्स बदलेगा, यूपी की जीके थोड़ी ना बदलेगी। उसका बॉर्डर जिसके साथ शेयर होता है उसी के साथ में शेयर होगा, कहीं नहीं खिसके का बेटा। जो नदी बहती है वही नदी बहेगी, ओके? जी के सेम होगी। चले अगला, दीपिका पालिका एंड हरिंदर पाल, आपको बताना है कि इन लोगों ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम कौन से टूर्नामेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। मिक्स्ड, मिक्स्ड, पक्का? अब ऑब्वियसली बात है, एक लड़का है एक लड़की है तो मिक्स्ड ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। तो ये किसमें आएगा? ये आपके मिक्स्ड के अंदर आएगा। अगला, लॉसिनी डायमंड लीग 2023 किसने जीती है, किसने जीती है? जिन भी बच्चों को जीके पढ़नी है स्वदेश दर्शन अनअकैडमी ऐप पे मैंने पढ़ा के रखा है हर स्टेट का जीके, और एक बार नहीं चार चार बार पढ़ाया हुआ है। और जो बच्चे मेहनती होते हैं ना, जिन्हें लगता है कि हाँ हमें पढ़ने की जरूरत है, वो पूछते नहीं है, वो सर्च करते हैं। इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स, आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग 163 कंट्रीज में से कौन से नंबर पे रहा, कौन से नंबर पे रहा इंडिया, कहाँ आएगा? 126 पे आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। अगला, एज पर द अनाउंसमेंट व्हेन ऑल द पंचायत्स विल बी डिक्लेयर्ड यूपीआई इनेबल्ड, जितने भी पंचायत हैं वहां पे आपको यूपीआई सिस्टम इंडिया में कब से देखने को मिलने वाला है। आइसलैंड नंबर वन, करेक्ट, कब से देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा 15th of August से देखने को मिलेगा। अगला, क्लेमेंट पेंटिंग, ये यूरोपियन एक पेंटिंग थी जिसको अभी हाल ही में ऑक्शन किया गया है, जो कि अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है। आपको बताना है कि ये पेंटिंग किसके नाम के साथ में जुड़ी हुई है। नेम द पर्सन, नेम द पर्सन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुस्ताफ क्लेमेंट। अगला, इंडिया ने अभी हाल ही में पहला पुलिस ड्रोन यूनिट जो है इसको लॉन्च किया है, ये कहां पर लॉन्च किया गया? आपको सिटी का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नो प्लास्टिक बैग डे कब मनाया जाता है, नो प्लास्टिक बैग डे कब मनाया जाता है, बताइए। 3rd of July को ये सेलिब्रेट होगा। कब होगा? 3rd of July को। अगला,
आपको बताना है कि स्पेशल डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में सीबीआई के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, स्पेशल पूछा गया है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अजय भटनागर जी का अभी हाल ही में सीबीआई के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ये दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, ठीक है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अजीत पवार इज द राइट आंसर। अगला सवाल, Who has been appointed as India's ambassador for the World Trade Organization for the 9 months? WTO के अंदर अभी हाल ही में किस भारतीय का अपॉइंटमेंट क्या रीअपॉइंटमेंट किया गया है अगले 9 महीने के लिए? नेम द पर्सन। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि कौन से ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा किसी भी ईयर के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, 24 के लिए करो, 25 के लिए करो, 26 के लिए करो, मैं तो कह रही हूँ 28 के लिए भी करो, तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम के लिए करो। इसका रीजन है, अगर आप एसएससी में किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो यू डोंट नो कि वो कौन से ईयर का सवाल पूछेगा, ओके, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, जब तक शॉर्टकट लोगे कुछ नहीं हो सकता। चलिए, प्लास्टिक प्रोड्यूस बैक, अभी हाल ही में किस कंट्री ने इसके ऊपर बैन लगाया है? हाँ जी बताएं, कंट्री कौन होगी? न्यूजीलैंड होगी। कौन सी कंट्री बनेगी यहाँ पे? न्यूजीलैंड जो है वो कंट्री अभी हाल ही में आपने सुर्खियों में देखी थी, आपको मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए, अगला, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द अक्षरा रिवर क्रूज अहमदाबाद के अंदर? किसने इसको लॉन्च किया था? और ये भी बता दें, जिन बच्चों को पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे कि 2021 का या 2022 का, तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इसका रिवीजन के लिए पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दी है, ठीक। और जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर भी मैंने पढ़ा दिया है और इसकी भी पीडीएफ दे दी है। आगे की जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी अब नहीं है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारे काम समापन। अगला सवाल, वेयर वॉज दी 64th ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड? नेम द प्लेस। जगह का नाम बताएं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। सब कंप्लीट कर लिया, अरे वाह, इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। अमृतकाल का नया नाम मोदी जी ने क्या रखा है? तो ये हो जाएगा कर्तव्यकाल। क्या है? कर्तव्यकाल। अगला, श्रावणी मेला जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रावणी मेला कब आएगा? जब ये सावन का समय शुरू होता है उसी समय पर आपको ये मेला देखने को मिलेगा। कहाँ पर हुआ? देवगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहाँ आएगा? देवगढ़। अगला, रीअपॉइंटमेंट फॉर FAO। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चाइना से बिलोंग करते इनका एक बार फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। इनका नाम क्या है? क्यू डोंगयू। क्या नाम है? क्यू डोंगयू। चलिए नेक्स्ट पे बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को बनाया है? हाँ, इटली में होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर होगा यूएई। यूएई ने अपने यहाँ पे अभी हाल ही में ये डिपार्टमेंट डेवलप किया है। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 6G अलायंस, आपको बताना है कि इसको अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए है? ये आपका 5G हो गया, 6G हो गया, ये सब क्या है? दीज ऑल आर दी वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, 23rd समिट ऑफ द शंघाई होस्टेड बाय, इसके अंदर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो नया मेंबर जुड़ा है ये कौन हो गया? ईरान हो गया। इस बार का होस्ट कौन कर रहा था? इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। अगला, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे अभी हाल ही में एक फोटो क्लिक की गई थी जिसको अवार्ड दिया गया है, साइना जोन फोटो अवार्ड 2023। ये कहां पर लोकेटेड है? नेम द प्लेस। तो ये कहां पर होगा? दिस इज इन तमिलनाडु। कहां आएगा? तमिलनाडु के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल इन आसाम? और ये कौन से रिवर पे होगा? तो ये आपको
ब्रह्मपुत्र रिवर पर देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि किसने इसको इनोग्रेट किया है, तो ये हो जाएगा सोनवार जी ने। अगला सवाल, यूपी सरकार ने बोला है कि भाई मंकीज के लिए क्या होगा, कंजर्वेशन सेंटर या फिर फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, दो बनाए जाएंगे, लेकिन कहाँ पर, कहाँ पर? तो ये बनेंगे कहाँ, लखनऊ के अंदर इसको बनाया जाएगा। अगला, सैफ चैंपियनशिप कुवैत को हरा के यहाँ पर आपको बताना है कौन सी टीम ने जीता है, कुवैत को हरा के कौन सी टीम ने जीता है? तो यह सुबह भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी ओडिशा के पेपर में आया था, इंडिया, क्या होगा, इंडिया। अगला, ड्यूरेंट कप आपको बताना है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि हर साल आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर, कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, आपको बताना है कि इसका मेन प्रोजेक्ट या फिर मेन एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम? इसका करेक्ट आंसर होगा डार्क मैटर के बारे में स्टडी करना, किसके बारे में, डार्क मैटर के बारे में स्टडी करना। अगला सवाल, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एनिमल से ह्यूमन में जो बीमारी है वो ट्रांसफर हो जाती है, इसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। जैसे कि अभी मर्स का यूएई के अंदर अभी एक केस पाया गया, आपको बताना ये दिन कब आएगा, 6 तारीख, 6 6, सब लोग 6 तारीख बताए, 4 तारीख आई किसी की, अच्छा 5 तारीख भी आ रही है, अरे बाबा रे, चल 6। अगले पे आइए, तारा अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स जिसको डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था कहाँ पे, ऑस्कर के अंदर, आपको बताना है कि ये किसके नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में इनको तारा अवार्ड यूके दे द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा क्या, कार्तिकी गोंसलैब्स। चलिए नेक्स्ट पे बताइए, 7th एडिशन ऑफ द मैरिटाइम एक्सरसाइज जिमिक्स किसके किसके बीच में कंडक्ट की गई? आजादे से सोच रहे होंगे मैम बात करने का टाइम ही नहीं दे रही है, कमेंट ही नहीं लिख पा रहे हैं पूरा कि लाओ बात ही कर लें किसी से। इसका आंसर होगा इंडिया एंड जापान। अगला, आईआईटी कैंपस, देखो ये पेपर में भी आया था ओडिशा में, कहां जा रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया का जो आईआईटी मद्रास है उसका कैंपस कहां पे ओपन किया गया है, कहां पे ओपन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा, कि होगा ज़ंज़ीबार तंजानिया, क्या, ज़ंज़ीबार तंजानिया। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ में इंडिया ने इंडिया पोस्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस को साइन किया है? हाँ अभी इसमें लीजा भी आएगी, गल ले जाना उसको। इसका आंसर है कनाडा, क्या है, कनाडा। नेक्स्ट पे आइए, इंडिया और यूएस नेवी की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने सेल्विक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया 6 तारीख को। सवाल, किसका आयोजन कहाँ पर किया गया, नेम द प्लेस, जगह का नाम, जगह का नाम, तो ये कहाँ पर आएगा, कोची के, कहाँ, कोची के अंदर। अगला, पीएम ने अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी सेंचुरी से क्रॉस करते हुए जाएगा, ये कौन सी सेंचुरी से क्रॉस करते हुए जाएगा, तो ये सेंचुरी कौन सी होगी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला, वर्ल्ड किश वाहिली लैंग्वेज इसको सेलिब्रेट कौन करता है, यूनेस्को करता है, आपको बताना है ये कब मनाई जाती है, जिस दिन धोनी का बर्थडे होता है उसी दिन मनाई जाती है, 7 जुलाई, कब होगा, 7 जुलाई। अगला, ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया? क्लास के अंत तक रहिएगा, एक छोटा सा सजेशन है, सजेशन कह लो या फिर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, आप बताइएगा कि एग्रीड और नॉट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, शेखर कपूर, शेखर कपूर, पक्का। क्रिस्टोफर के साथ में भी कुछ लोग जा रहे हैं, अरे 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 कौन पढ़ाया भाई, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पे आइए, 67 ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कोलंबो के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, G20 की मीटिंग कौन सी वाली, चेयरमैनशिप 2024 किसके पास में गई है, किसके पास में गई है? हाँ जी, किसके पास में चेयरमैनशिप गई है, तो ये ब्राजील के पास में गई है 2024 के लिए। 23 में तो इंडिया के पास है, 22 में इंडोनेशिया के पास में थी, अब अगला पूछा गया था। नेक्स्ट बताइए, जाफना, जाफना ने अभी हाल ही में इनमें से कौन सी आईआईटी है जिसके साथ में टाई अप किया है,
जाफना ने किसके साथ में टाई अप किया है? तो ये भी होगा कौन सा, आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जो है इसकी एक यूनिट कहाँ आएगी, अबू धाबी में आएगी। कहाँ? अबू धाबी में। अगला, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये एक बनाई जाएगी जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी यूनिट होने वाली है। कहाँ पर? नेम द प्लेस। तेलंगाना के अंदर काजीपेट, तेलंगाना के अंदर काजीपेट में आपको मिलेगी। मो जंगल जामी योजना ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लॉन्च की गई, आपको बताना है कौन से स्टेट के अंदर। तो ये कौन सा स्टेट होगा? ओडिशा के अंदर ये योजना लॉन्च की गई। वैदिक थीम पार्क इंडिया में सबसे पहला कहाँ पर आया? वैदिक थीम पार्क इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर आया? कहाँ आएगा? नोएडा के अंदर। कहाँ पे होगा? नोएडा के अंदर। इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया था। अगला, प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट रेल ये आया था क्वालिटी एजुकेशन के लिए। किसके लिए? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? झारखंड के अंदर ये लॉन्च हुआ था। अगला, 100% टैप वाटर कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंदर अभी हाल ही में कौन सा स्टेट में कंप्लीट हो चुका है? सबसे पहला जो स्टेट था वो गोवा था। यहाँ पे इसके हिसाब से बताना है तो दैट इज हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला, पायलट प्रोजेक्ट अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात के अंदर किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्रमिक सुरक्षा योजना तो यहाँ पर यहाँ के सीएम जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मोदी जी नहीं होंगे, मोदी जी ऑप्शन में लिखा है तो गलत मत कर दीजिएगा। हाँ जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मैंने आपको बताया था कि अभी एक डेटा भी आया है जिसमें बोला गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी चाइना को एक्सीड नहीं कर पाई है और इंडिया की पॉपुलेशन अभी इतनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11th of July। नेक्स्ट पे आइए, चाइना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया है? चाइना का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये होगा ओपन कैलिन। क्या है? ओपन कैलिन। अगला सवाल, नौरा, नौरा पता ही नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नौरा के लिए अभी हाल ही में इंडिया ने एमओयू साइन किया है, आपको बताना है किसके साथ में। नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। आंसर क्या होगा इसका? जापान। किसके साथ में? जापान के साथ में साइन किया गया। गारंटी बजट कौन लेकर आया? गारंटी बजट कौन लेकर आया? तो गारंटी बजट कौन लाया था? कर्नाटका लेकर आया था गारंटी बजट। अगला सवाल, फर्स्ट अर्बन बॉडी किसके अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रखा गया है? ये वही वाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने अपने यहाँ पर क्या लॉन्च किया, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, तो वो कौन होगा? इंदौर। कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट, हाँ ले ले जाओ, लीजा ले जाओ, गल ले जाओ। कौन परेशान था लीजा के लिए? आपको बताना है लीजा जो है जो कि ओडिशा के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर देखने को मिलेगी, कौन से चैनल के लिए, कौन से चैनल के लिए? ओटीवी। क्या है? ओडिशा टीवी के लिए। किसके लिए? ओडिशा टीवी के लिए, उड़िया भाषा एंड अंग्रेजी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था। लक्ष्य सेन, इनका नाम कनाडा ओपन, अभी हाल ही में इन्होंने कनाडा ओपन जीता है। ये कौन से स्पोर्ट से हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। किससे? बैडमिंटन से। अगला सवाल बताइए, द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन रोबोट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो ये जेनेवा के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। अगला सवाल, फर्स्ट एंड द यंगेस्ट इंडियन गर्ल जिन्होंने 3 बार यूएन के अंदर अपनी स्पीच को दिया है, यंगेस्ट पूछा गया, तो इसका आंसर होगा दीपिका देशवाल। क्या नाम है? दीपिका देशवाल। अगला सवाल, तेलंगाना के अंदर अभी हाल ही में कौन सा ऐसा गांव बना है जो कि पहला इंश्योर्ड विलेज है, यानी कि सभी लोगों का क्या हो चुका है, इंश्योरेंस हो चुका है, वो विलेज कौन सा है? मुखरा। कौन सा है? मुखरा। मुखरा है, मुखड़ा नहीं है। आजकल वैसे भी चांद सा रोशन चेहरा और गुलाबी आंखें देखने वाली नहीं हो रही है। अगला, अमा पोखरी योजना, आपको बताना है कि ये वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए लॉन्च किया गया किसके द्वारा, किसके द्वारा? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ये होगा नवीन पटनायक जी, ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आइएगा, इंटरनेशनल मलाला डे, मलाला का हैप्पी वाला बर्थडे था, कब होगा ये? तो 12 जुलाई को इनका हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जाएगा, दैट इज मलाला डे। अगला, G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है
तीसरी वाली, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पहली, दूसरी और तीसरी, इसका आंसर क्या होगा? हम्पी इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में लॉन्च किया गया फॉर द इलीगल ड्रग शिपमेंट? फॉर द इलीगल ड्रग शिपमेंट आपको बताना है ऑपरेशन का नाम, इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन बॉर्डर सॉर्ट। सोच लो, बॉर्डर सॉर्ट होगा, बी होगा, बी। ये सी वाले कौन है भाई, ये कौन पढ़ाया जबरदस्ती सी, कुछ भी। चलो अगले पे आइए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार किसी इंडियन प्रोफेसर के नाम पे क्या किया गया, एक नाम रखा गया एस्ट्रॉइड का, आपको बताना है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? अश्विन शेखर। क्या नाम है? अश्विन शेखर। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ ये अवार्ड तो आज ही दिया जाएगा, बताइए लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है ये इस साल किसको दिया जा रहा है और आज ये अवार्ड दिया जाएगा? तो ये अवार्ड किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, विच कंट्री हैज वॉन द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपिक्स या ओलंपियाड? यूएस के अंदर इसका आयोजन हुआ था, जीता कौन था इसको? इंडिया के द्वारा इसको जीता गया। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा इसको जीता गया है। अगला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक सेंटर जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ओपन किया गया, आपको बताना है कि किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? तो एस जयशंकर जी के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा? एस जय, राजनाथ सिंह जी नहीं होंगे, मुझे लग ही रहा था कि राजनाथ सिंह जी का नाम बताओगे। सोच लो, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, बचे दो ऑप्शन, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी याद करो, एस जयशंकर जी गए हुए थे यात्रा पे और तुम इनोग्रेट करा रहे हो राजनाथ सिंह जी से। सोचो सोचो, देखिए राजनाथ सिंह जी जो है वो आप सबको पता है डिफेंस मिनिस्टर ने, तो ऑब्वियस ही बात है कि आंसर ये होना चाहिए, है ना? मेरी क्लास 12 बजे थी, यही होता है जब नहीं देखते हो टेलीग्राम, पक्का? चलो ठीक है, इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह जी। अगला सवाल, देखो जिंजीबार ना ये गए थे, तंजानिया और जिंजीबार में जितनी भी चीजें इनोग्रेट हुई है वो इन्होंने की है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आइए, बताइए जो आईआईटी मद्रास है जिंजीबार के अंदर किसको यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया? दिस इज द फर्स्ट टाइम। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? प्रीति, कबीर सिंह वाली नहीं है, दूसरी है। अगला, मैस्कॉट बताइए एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन थाईलैंड, मैस्कॉट क्या रखा गया? जोर से बोलो, मंगल के दिन, क्या? जय श्री राम, है ना? हनुमान जी को यहाँ पे एज अ मैस्कॉट यूज किया गया है। अगला, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने पहला लिक्विड मीथेन रॉकेट लॉन्च किया, पूरे वर्ल्ड का पहला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज चाइना। किसने लॉन्च किया था? चाइना ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ द लंबनी आइटम G20 कल्चरल के अंदर आपको बताना है कि ये कहाँ की फेमस है, ये कहाँ की फेमस है? दिस इज फेमस ऑफ हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। अगला, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपना मोबाइल हमारा दफ्तर इसको लॉन्च किया गया, ये क्या है? मतलब इसके अंदर क्या लॉन्च किया गया? एक ऐप लॉन्च किया गया, आपको बताना है उसका नाम क्या है। आज मैंने आपको बताया था डॉक्टर आपके गांव, है ना? और इसका आंसर क्या होगा? मोबाइल दोस्त ऐप। क्या हो जाएगा? मोबाइल दोस्त ऐप। अगला, इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर आया, कहाँ पर आया ट्रेनिंग स्कूल? तो ये आएगा कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी हाल ही में कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ने की बात कही गई है? रिकमेंडेशन, कोई भाषा, कोई भाषा, इसका आंसर बनेगा ओडिशा, ठीक है? कोई भाषा कहाँ? ओडिशा के। अगला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेटा 2023 इसको किसने रिवील किया है, इसको किसने रिवील किया है? ध्यान दीजिएगा, मल्टी नेशनल पॉवर्टी डेटा है, इंटरनेशनल लेवल का डेटा है ये, इसका आंसर क्या होगा? UNDP ने इसको लॉन्च किया था। अगला, पीएम मोदी के द्वारा स्पेशल गेस्ट की अगर हम बात करें
मिलिट्री परेड इनको कहां पर इनवाइट किया गया था, इनको कहां पर इनवाइट किया गया था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। 14 जुलाई को इनको इनवाइट किया गया था फ्रांस के अंदर। अगला ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, इंडिया का कौन सा नेवल वेसल था जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, नेवल वेसल कौन सा होगा, सुनैना कौन सा है, सुनैना ने पार्टिसिपेट किया था। अगला बताएगा समृद्धि महामार्ग, ये अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया, आपको बताना है कि किस चीज के लिए आया था, जहां पे एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया, तो ये महाराष्ट्र के अंदर आया था, फॉर द इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस, फॉर द मेडिकल असिस्टेंस। अगला इंटरनेशनल लेवल पर टेम्पल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो ये किसने होस्ट किया, ये किसने होस्ट किया, ये जो जितनी तेजी से ये आंसर आ रहे हैं ना, ये प्रूफ है बेटा कि तुम लोग कितना ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो या टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हो। इट्स हैज बीन प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया है आज है, और हाथों में दर्द भी नहीं हो रहा होगा, आज दर्द भी नहीं हो रहा होगा। चलो बताओ AI कहां, कर्नाटका के अंदर, कौन आएगी यहाँ पे, सौंदर्य, कौन आएगी, सौंदर्य। नेक्स्ट यूथ स्किल डे, यूथ स्किल डे, यूथ स्किल डे इसका आंसर होगा 15 जुलाई को ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिनों का कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल जिसका नाम है सागर कवच, ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिस इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बताएं डोमेस्टिक एक्सरसाइज, आंध्र गुजरात, आंध्र एंड गुजरात दो आंसर दे रहे हो, महाराष्ट्र कोच तक गए हो साजिद, महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, सोच लो एक बारी से क्या आएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र पक्का, चलो ठीक है यहाँ आयो। चलो नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक जिसको चंद्रयान 3 के लिए रिलीज किया गया, आपको बताना है उस किताब का नाम, भैया उसका आंसर महाराष्ट्र है, इसका आंसर होगा प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एब्सॉर्ब ऑफ द रेनबो, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला गृह प्रवेश, ये अभी हाल ही में स्कीम आई थी, आपको बताना है कि ये स्कीम किसने लॉन्च की थी, जिसके अंदर क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल, क्या था इसके अंदर, हाउसिंग फॉर ऑल, इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, विश्व शर्मा जी के द्वारा, आसाम के अंदर ये आपको देखने को मिली थी, कहाँ आई थी, आसाम के अंदर। अगला विमेन्स फर्स्ट विंबलडन 2023 फाइनल में, 2023 विंबलडन, मैंने आपको आज सुबह भी बताया था अगर हम मेंस की बात करेंगे तो कौन होंगे, कार्लसन होंगे, और अगर हम विमेन्स की बात करेंगे तो कौन होंगी, मार्केटा होंगी। अगला सवाल गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट अवार्ड, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया, ये भी मैंने आज सुबह आपको बताया था, अदानी ग्रुप को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला वर्ल्ड स्नेक डे कहाँ पर मनाया गया, वर्ल्ड स्नेक डे कहाँ पर मनाया गया, तो दिल्ली के अंदर नेशनल जूलॉजिकल पार्क के अंदर इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पे, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अगला दो कंट्रीज जिनके बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच में होगी, इंडिया और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया। अगला नेल्सन मंडेला डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मंडेला जी के लिए क्या होगा, इनका बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब होगा, 18th of July, कब होगा, 18th of July। अगला प्रोजेक्ट गजा कोठा, आपको बताना है ये कहाँ आया था, ये प्रोजेक्ट कहाँ आया था, ये प्रोजेक्ट आया था एनिमल और ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एलिफेंट का, उसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, आसाम के अंदर, कहाँ आएगा, आसाम में। अगला प्रेसिडेंट बोला तिनुबु, इन्होंने अभी हाल ही में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी फूड की वजह से, मतलब खाना बहुत ज्यादा क्या हो गया था, कम हो गया था, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है, कंट्री का नाम, इसका आंसर क्या होगा, दिस इज नाइजीरिया, कौन सी होगी, नाइजीरिया। सबसे तेजी से आंसर शुभम कर रहा है आज, क्वेश्चन बाद में आता है आंसर उसका पहले आ जाता है। अगला टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे तो आपको बताना है इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी,
इंडिया की, इंडिया की यूनिवर्सिटी कौन सी मिलेगी बताओ? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, दैट इज केरला। अगला, बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जो बोनालू फेस्टिवल है ये कहाँ आएगा? ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है, यानी कि हैदराबाद में इसका आयोजन होगा। अगला, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है इसके अंदर जो तमिलनाडु था वो नंबर वन पे था, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो जामनगर है गुजरात में वो नंबर वन पे था। आपको बताना ये डेटा कौन जारी करता है, ये डेटा कौन जारी करता है? नीति आयोग इस डेटा को जारी करता है। अगला, इंडियन ओपनर जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के अंदर अपना क्या किया, सेंचुरी बनाई, वो भी ओवरसीज इंडिया के बाहर, नेम द प्लेयर, ये कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल। अगला, बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है इसका आयोजन कहां पर, इसका आयोजन कहां पर? ये श्रेया तिवारी कौन बता रहा था आंसर? ओ भाई, पूरे महीने का रिवीजन करने को मैंने बोला था, बिना रिवीजन किए आते हो क्लास के अंदर। बिम्स्टेक फॉरेन कहाँ आएगी? बैंकॉक, 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 चलिए ठीक है, बैंकॉक बता रहे हैं सब लोग, एक दो बच्चे डी भी बता रहे हैं। अगला, हरेला फेस्टिवल, एक होता है हरेली फेस्टिवल, वो होता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ये है हरेला फेस्टिवल, तो ये कहाँ आएगा? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ होगा? उत्तराखंड में सेलिब्रेट होगा। अगला, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट जो है इसके अभी नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है कि ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नेम द पर्सन, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो मोदी जी गए हुए थे वहां पे, कौन? मोदी जी वहां पर गए थे। अगला, नेम ऑफ द ऑपरेशनल बीइंग कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर टू न्यूट्रलाइज द हाइडिंग टेररिज्म, जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए अभी एक ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में आया, नाम, नाम, त्रिनेत्र, क्या नाम होगा? त्रिनेत्र। अगला, नेम चना दाल की ब्रांड का नया नाम क्या है, जो कि सब्सिडाइज्ड होगी, जो कि सब्सिडाइज्ड होगी, क्या नाम था इसका? भारत दाल, कौन सी दाल होगी? भारत दाल। अगला, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये डेटा कौन लेके आया? ये देखो ये नेशनल लेवल पर है, तो ये डेटा कौन लाएगा? ये डेटा नीति आयोग के द्वारा लाया गया, कौन लेके आएगा? नीति आयोग। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है कंट्री के अंदर, आपको बताना है सबसे पावरफुल आपको कौन सा वाला कंट्री देखने को मिला। देखो इसमें हर बार तो वैसे तो जापान रहता है नंबर वन पे, बट इस बार कौन रहा? सिंगापुर आपको नंबर वन पे मिलेगा। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है बोलो जल्दी से, एटी, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया था कार्गो हैंडलिंग का? तो वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है ओडिशा, इन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था। अगला, इंडिया, ये क्या है? ऑपोजिशन का एक ग्रुप है जिसको बनाया गया अगेंस्ट बीजेपी, तो आपको बताना है इसके अंदर टोटल कितनी पार्टीज है। इसके अंदर आपसे पेपर में इंडिया का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और कुछ नहीं आएगा, 26, कितनी पार्टीज है? 26 पार्टी आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट पे आइए, बताइए फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट, फास्टेस्ट बैडमिंटन हिट किसका था? किसका होगा यहाँ पे? सात्विक, किसका रहेगा यहाँ पे? सात्विक ने अभी हाल ही में सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे बैडमिंटन हिट किया था। अब से बेस्ट वेब सीरीज जो है उसको भी अवार्ड दिया जाएगा, किसके अंदर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जिसका आयोजन हर साल आप देखेंगे तो गोवा में होगा, इस बार 54th एडिशन होगा। आपको बताना है ये किसने बोला है, अनाउंस्ड बाय, तो ये किसने अनाउंस किया था? अनुराग ठाकुर जी ने अनाउंस किया था। अगला, इनमें से कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जकार्ता के अंदर एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है? जकार्ता किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया एंड इंडिया, क्या है? इंडोनेशिया एंड इंडिया। अगला, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका के अंदर कौन लेकर आएगा? गृह लक्ष्मी योजना, देखो एक तो इसमें घर मिलेगा और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी दी जाएगी, दो चीजें हैं इसके। अच्छा, तुमने भी सबसे पहले बताया विकास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका के सीएम के द्वारा इसको लाया, किसके द्वारा? कर्नाटका के सीएम यानी कि सिद्धरमैया जी। अगला, इंटरनेशनल मून डे कब होता है?
ये कब होगा? तो ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अभी हाल ही में जुलाई के अंदर एडिशनल रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बनेगा मनोज यादव जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, ब्रॉडकास्ट ऑफ द फीफा, ये कहाँ पे चल रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चल रहा है। और आपको वो तो याद होगी ना, साउथ कोरिया वाली, वो बनी है यंगेस्ट प्लेयर जो खेल रही है। आपको बताना है टेलीकास्ट कहाँ पर आ रहा है, टेलीकास्ट कहाँ पर आ रहा है? तो ये टेलीकास्ट कहाँ आएगा? डीडी स्पोर्ट्स पे। किस पे? डीडी स्पोर्ट्स। अगला, 19th एशियन गेम मेन स्क्वाड, आपको बताना है कि लीड कौन करेगा। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं एशियन गेम्स कहाँ? चाइना के अंदर सेप्टेम्बर में। इसको लीड कौन करेगा? ऋतुराज। लीड कौन करेगा? ऋतुराज। अगला, क्वाड के अंदर ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने इंडिया के साथ में सेमी कंडक्टर के पैक्ट को साइन किया है? पहला कंट्री कौन था? यूएसए। क्वेश्चन में आपसे सेकंड पूछा गया है, सेकंड कौन होगा? जापान। सेकंड कौन होगा? जापान। अगला सवाल, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आज सुबह ही मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, बताओ क्या आएगा? यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन, देखो रिवीजन का तरीका पता है क्या है? कीवर्ड्स मार्क करो, दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर फोकस किया करो, क्योंकि रिवीजन में पूरी पूरी लाइन पढ़ने का समय किसी के पास भी नहीं होता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब आएगा? ये कब आएगा? तो ये आएगा 23rd of July। कब? 23rd of July। अगला, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है ये भी हाल ही में कौन से स्टेट के अंदर देखने को मिली? तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर ही अभी हाल ही में सेमी कॉन जो है, यानी कि सेमी कंडक्टर की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका भी आयोजन किया गया। इंटरनेशनल एनी अवॉर्ड, एनी अवॉर्ड आंसर क्या होगा? थलपिल प्रदीप जी को दिया गया है। यूपीयू का मेन सेंटर जो है वो इंडिया में कहाँ पर ओपन हुआ है? इसका हेडक्वार्टर आपको बर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इंडिया में कहाँ पर ओपन किया गया है? इंडिया में कहाँ पर ओपन किया गया है? नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। दिल्ली, बेंगलुरु, दो आंसर आए, फिर आए दो आंसर। दिल्ली, बेंगलुरु। भाई सोच के आंसर किया करो, तुक्के मत लगाया करो। देखो इतना पढ़ाने के बाद में भी तुक्के लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये गुजरात के अंदर आएगा। कहाँ? गुजरात। ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप किसको अपॉइंट किया गया? ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप ये कौन बने हैं? ये बने हैं शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। अगला, आईएमडी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ये बताया है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है हीट इंडेक्स। क्या है? हीट इंडेक्स। अगला, श्रीलंका के अंदर इसमें से कौन सा मॉडल है जो पहुंच चुका है? पहले ये फ्रांस और सिंगापुर के अंदर लॉन्च हुआ, अब ये श्रीलंका के अंदर भी आ गया है, तो आपको बताना है। हाँ इसका आंसर क्या होगा? यूपीआई सिस्टम। क्या है? यूपीआई सिस्टम। अगला, कौन सा इसमें से अभी आप देखेंगे स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे मिनिमम इनकम बिल को पास किया है? मिनिमम इनकम बिल को पास किया है तो ये है राजस्थान। और साथ ही साथ में गिग वर्कर्स के लिए भी जो पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी भी लेकर आया है कौन? राजस्थान। अगला, खड़क रिवर ओडिशा के अंदर किसने इसके ऊपर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? किसने इसके ऊपर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये होंगे नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक जी। अगला, केरला के अंदर जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन जो है अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऑर्किड है वो खिला है, आपको बताना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या होगा? टाइगर ऑर्किड। क्या नाम होगा? टाइगर ऑर्किड। अगला, ग्रामीण आवास न्याय योजना, मैंने आपको बोला था ये जहां पे भी लगेगा सीधे इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। कुछ और सोचना ही नहीं है आपको, सीधे आंसर छत्तीसगढ़ होगा। जीएसटी भवन कहां पर आया? निर्मला सीतारमन जी ने इसको लॉन्च किया। नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। अगरतला त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट पे आइएगा,
सेकेंड फास्ट बॉलर जिन्होंने 600 विकेट लिए उनका नाम क्या है और उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी ले लिया, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। इसका आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। इसका आंसर क्या है? स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला, वर्ल्ड फेमस राजगीर मलमास फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मलमास फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये आएगा कहाँ पर? बिहार के अंदर। किस जगह पे आएगा? बिहार के अंदर इसको अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया। अगला, 108 feet राम स्टेचू आंध्रा के अंदर किसने इनोग्रेट किया? किसने इनोग्रेट किया? मलमास फेस्टिवल यूपी में मना दिए। अरे भैया, अमित शाह। अमित शाह करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? अमित शाह होगा। अगला, टैक्स डे या फिर आयकर दिवस कब मनाया गया था? तो ये कब होगा? ये होगा 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। आपको बताना है सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के रूप में अब किसका नाम जाना जाएगा? तो ये कौन होंगे? नवीन पटनायक जी। कितने साल हो गए? 23 ईयर्स से ज्यादा का समय इनको हो चुका है। अगला, आर्मलेस आर्चर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उनका नाम? उनका नाम शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी। अगला, कोरियन ओपन चैंपियनशिप किसने जीती? इसमें आखिरी में ना वन लाइनर्स भी मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन वो आपको पीडीएफ के साथ में मिलेंगे। करंट अफेयर्स बाय कृति, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ एक बार। इसका आंसर क्या होगा? सात्विक एंड चिराग। अगला, विराट कोहली ने अभी हाल ही में टोटल कितने मैचेस खेल डाले? टेस्ट, वनडे, मतलब ओडीआई वगैरह सब मिला मिलू के कितने? 500। कितने हो जाएंगे? 500। अगला, सेम सेक्स और ये ट्रांसजेंडर मैरिजेस जो है अभी हाल ही में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है? देश कौन सा बना है? अब ये समय नहीं है कि पहला कौन है और आखिरी कौन है, जब पढ़ाए थे तब कहां सो रहे थे, पहला कौन है? अगला, सेमिकॉन इंडिया कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया? सेमिकॉन इंडिया कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये गुजरात के अंदर मोदी जी का यहाँ पे विजिट था जहां पे इसको इनोग्रेट किया गया। अगला, G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक डिजास्टर रिडक्शन के लिए, डिजास्टर रिडक्शन के लिए, इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये होगा चेन्नई। कहां पे आएगा? चेन्नई के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, मिशन शक्ति स्कूटर कहां पे आया था? स्कूटर कहां मिल रहा था जिसके लिए 1 लाख रुपए लोन में दिया जा रहा था? जगह का नाम? ये होगा ओडिशा। कहां पे आया था? ओडिशा के अंदर। अगला, PSLV C56 भैया ये सक्सेसफुली लॉन्च भी हो चुका है, आपको बताना है कि किसने इसको लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसरो इज द राइट आंसर। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। कैनवस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर आया? अब तक कहीं और पे नहीं आया, बस एक ही जगह पे आया है। कहां पर? ये कौन सी जगह होगी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में इसको लाया गया है। कारगिल दिवस, कारगिल दिवस, देखो इस तरीके से अगर रिविजन करोगे ना ऐसे कीवर्ड्स मार्क करके सबसे बेस्ट तरीका होता है, द बेस्ट थिंग। इसका आंसर होगा 26th of July। अगला, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किसकी? WTO की। हेड कौन करेगा? UAE में होगी तो हेड कौन करेगा? इसको हेड कौन करेंगे? धानी जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। अगला, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में एक एक्सरसाइज जो कि मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, इंडिया इसके अंदर एज अ ऑब्जर्वर, आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है क्या होगा? तलिस्मान साबरे। अगला, गिग वर्कर बिल कौन लेकर आया? गिग वर्कर बिल कौन लेके आया? राजस्थान के द्वारा इसको लाया गया है। अगला, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मचाइल माता यात्रा की शुरुआत हुई है कौन सी जगह से? नेम द प्लेस। उसको देखो, उसका गाना चल रहा है, तू मान मेरी जा। हां, एग्जामिनर कहेगा मैं मानूंगा नहीं, पढ़ लो। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? किश्तवाड़। क्या है? किश्तवाड़ से शुरुआत होती है। लंपी स्किन डिजीज के लिए अभी हाल ही में कौन सा स्टेट पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया? कर ले भाई, गूगल कर ले अब तो। इसका आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। अगला, हेली समिट 2023 उड़ान 5.2 कहां पे लॉन्च किया गया?
कहां पे इसको लॉन्च किया गया? हाँ जी, खजुराहो, 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 करेक्ट, खजुराहो। अगला, वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पीजेंट कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये कहाँ आएगा? ये आएगा गोवा के अंदर। अगला, माइकल फिलिप, इनका एक रिकॉर्ड था, ये स्विमर है, आपको बताना है इनके रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है। तो ये लियोन ने तोड़ा है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है, इसका नाम क्या है, जिसको अभी हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया? हम लोग कहाँ पहुंच गए? 28 जुलाई पे देखो पहुंच गए। इसका आंसर होगा जुपिटर 1। नेक्स्ट, सीआरपीएफ का 85th राइजिंग डे कब मनाया गया? कब आएगा? 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। अगला, कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम, भारत मंडपम, ये कहां पर आया? भारत मंडपम, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थ्री है, जुपिटर 1 2 ऑलरेडी जा चुके, थ्री है, ठीक है। हाँ जी, ये कहाँ आएगा? ये आएगा दिल्ली के अंदर। क्या है ये? ये एक एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है जिसको मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके प्रेजेंस में? पीयूष गोयल जी के प्रेजेंस में। अगला, बर्थ सर्टिफिकेट राजस्थान के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिनको दिया गया? नूर, नूर, करेक्ट, आंसर क्या होगा? नूर। अगला, आपको बताना है भारत सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाएगा 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच में, जिसके बाद में ये जो आजादी के अमृत महोत्सव है इसका समापन होगा, उसका नाम, उसका नाम, मेरी माटी मेरा देश। क्या है? मेरी माटी मेरा देश। अगला बताइए, बाचा काइगा क्रेटर कहाँ पे पाया गया है, जो कि धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है? एक्सपैंड होता जा रहा है। तो ये कहाँ मिला था? रशिया के अंदर। अगला, मैंग्रोव सेल जो है वो इंडिया में कौन सा स्टेट बना रहा है? मिष्टी योजना, याद रखिएगा कि जो मिष्टी योजना है ये किससे जुड़ी हुई है? ये मैंग्रोव से जुड़ी हुई है। इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अगला, ग्लोबल टाइगर डे, आज सुबह मैंने आपको करेंट अफेयर्स पढ़ाया है, टाइगर स्टेट अभी भी कौन सी है? एमपी ही है। और 6.1% के हिसाब से क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है किसकी? टाइगर की, इंडिया के अंदर। इसका आंसर होगा 29th of July। नेक्स्ट आइए, नेशनल बेटर मेमोरियल कहाँ पर आया? ये मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया है और इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा बनाया गया? कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। कहाँ आएगा? लखनऊ में इसको बनाया गया। अगला, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट गुजरात के अंदर सबसे पहला कहाँ पर आया? राजकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको सबसे पहला ग्रीन फील्ड देखने को मिलेगा। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया? इसका आयोजन कहाँ होगा? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन होगा। आपको बताना है नाम, इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर। क्या नाम बनेगा? अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। हाँ, सांस ले लो थोड़ी। तो ये था अपना आज का सेशन। अब इसके बाद में आपके वन लाइनर जो है वो मैंने इसी पीडीएफ के साथ में अरेंज कर दिए, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, करेंट अफेयर्स बाय कृति, वहां से डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा जो एक बार रिविजन है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि पूछ ही लूँ। ये बताइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, नहीं आ गया, हो गया। हाँ, ये 27 है, 27 है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये क्या कह रही थी कि अब आप लोगों का पेपर जो है वो तो कल से देखो स्टार्ट होने जा रहा है, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या हम एक काम कर सकते हैं, जो रैंडम टॉपिक्स आपका एसएससी पूछता है उन रैंडम टॉपिक्स के ऊपर दोपहर में 12 बजे 10 to 15 मिनट्स का सिर्फ सेशन जो है उसको रखा जाए, क्या कहते हैं आप? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके मुझे बता दीजिएगा कि यस मैम और नॉट, ठीक है। रैंडम टॉपिक का मतलब हो गया लाइक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड टाइप के क्वेश्चंस, या मान लीजिए जो आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं जो रैंडमली वो पूछ लेता है, या भी आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा लाइक किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जाके कुछ ऐसा उन्होंने पूछा है जिसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं है, क्या कहते हो? मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स, भैया पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका मेंस का जो पेड बैच है ये शुरू होने जा रहा है 3 तारीख से,
मेरे क्लासेस इसमें 7 तारीख से शुरू होंगे, पूरे महीने भर जीएस आपकी चलेगी इसके अंदर। दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है? नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एमटीएस ऑलरेडी शाम को चल रहा है बेटा, शाम को 4 बजे एमटीएस का क्लास हो रहा है आप पे। कोई कह रहा है कि मैम एटलीस्ट 30 मिनट का तो सेशन होना चाहिए, 30 मिनट का रखे है। चलो ठीक है, लेट्स सी कि टॉपिक कैसे मिलेंगे, ठीक है? प्रदीप एंड कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और एमटीएस का जो क्लास है वो शाम को 4 बजे आपका ऐप पे चल रहा है। फाइन, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। कितने बजे? दिल की बात बोल दी तुम्हारे, अरे नहीं यार, यही वाली सेटिंग सही है गणेश, इट्स ओके। फाइन, चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।